हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता और होम बेकर चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट ब्रेकफास्ट की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही फटाफट बनने वाली, बहुत ही इजी रेसिपी, बहुत सारी सब्जियों के साथ बनी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होगी। यहाँ मैंने कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी ली है, गाजर ली है बारीक कटी, ये हमने हरी प्याज ली है, धनिया और मिर्च बारीक कटे लिए हैं, 200 ग्राम हमने छना हुआ बेसन लिया है यहाँ, और कुछ ब्रेड के पीसेस लिए हैं। ब्रेड के पीसेस मैंने 6 लिए हैं 200 ग्राम बेसन के साथ, और ये मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं जो 1.5 चम्मच के करीब होंगे, और थोड़ा सा हमने बेकिंग पाउडर लिया है। पानी लेंगे हम घोल के लिए। तो सबसे पहले हमें अपना घोल तैयार करना होगा। एक बाउल में हम अपने बेसन को निकाल लेंगे। दोस्तों, यहाँ आप सब्जियों का सिलेक्शन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। पत्ता गोभी की जगह गोभी ले लीजिए, शिमला मिर्च लीजिए, आजकल सब्जियाँ बहुत आ रही हैं बाज़ार में, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम अपना इसमें नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें इसमें नमक डालना है, जितना आप खाते हैं, और 1.5 चम्मच के करीब हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाल ली है। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम डालिएगा, या मैंने 1.5 चम्मच डाली है। 1 चम्मच हम यहाँ चाट मसाला डाल रहे हैं, और थोड़ी सी मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर भी डाली है, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है। ये घोल थोड़ा हमने चटपटा ही रखा है, क्योंकि जब ये ब्रेड और उसके साथ लगेगा तो वैसे ही मसाले थोड़ा कम लगेंगे, और यहाँ मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाल दिया। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करके इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने अपना घोल तैयार कर लिया है, और अब इसके अंदर हम अपनी कटी हुई सारी सब्जियाँ डालेंगे। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ट्राई करिए और कमेंट्स करिए अगर अच्छी लगे तो। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर मेरी ऐसी अच्छी रेसिपियों को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी अगली रेसिपी की जानकारी आपको मिले। यहाँ देखिए, हम सारी सब्जियों को इसमें डाल देंगे। इतनी सब्जियाँ बच्चे नहीं खाते हैं, तो उनको हम इस रूप में देंगे तो वो भी इसको खाएंगे, तो हेल्थ के साथ साथ उनको टेस्ट भी इसमें मिलेगा। ये देखिए, हमने सब सब्जियों को इसमें डाल दिया है। थोड़ी थोड़ी सब्जियां डालते हैं हम घोल को बनाएंगे, अगर सब्जियां ज़्यादा लगेंगी तो उन्हें हम साइड में रख देंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से सब मिक्स कर लिया, और पानी की थोड़ा आप पानी की मात्रा इस हिसाब से रखिए कि गाढ़ा घोल में रखना है, क्योंकि अब हम इसे ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। अगर घोल ज़्यादा पतला होगा तो ब्रेड पे से टिकेगा नहीं और वो अच्छा नहीं रहेगा। और गैस पे मैंने नॉन स्टिक तवे को गरम करने रख दिया है, और ब्रेड पे हम इस घोल को लगा लेंगे। दोनों ब्रेड पे हम इसको लगाएंगे, तो ये देखिए क्विक बनने वाली रेसिपी, फटाफट टेस्टी। यह हमारा तेल हमने थोड़ा सा इसमें लगा दिया गरम तवे पे, और इसमें हम चुटकी भर राई डाल रहे हैं। राई का एक फ्लेवर आएगा जब ये तड़केगी, और इसके ऊपर हम अपने ब्रेड के इस पीस को रख देंगे, जिधर से हमने अपने घोल को लगाया था वो हिस्सा हम नीचे रखेंगे। इससे हमने गैस की आंच को धीमे रख रखा है, और इसके ऊपर भी हम अपने घोल को लगा देंगे। इसको तेल, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उससे इसको दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाली है। मैंने इसे संडे पे बनाया था, संडे में सबको बहुत पसंद आई। आप किसी भी दिन इसको बनाइए, छोटी छोटी भूख में भी इसको बना सकते हैं, जब बच्चों को शाम को ज़रूरत होती है। ये देखिए, हमने इसके चारों तेल लगाया था, अब ये नीचे से थोड़ा थोड़ा हमारा सिकने लगा है, तो अब हम पलट देंगे इसे, और दूसरी साइड से भी इसे इसी तरह से सेक लेंगे।
थोड़ा सा पलटने में आराम से पलटिएगा, क्योंकि जब हम घोल लगाते हैं तो ब्रेड गीली हो जाती है। बस ये देखिए हमने दोनों साइड से इसको सुनहरा होने तक, क्रिस्पी होने तक सेक लिया और अब हमारी ब्रेड के ये पीसेस बन के तैयार हो गए हैं। तो हम गैस बंद करके इन्हें अपनी एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी ब्रेड के ये पीसेस तैयार हो गए हैं। अब इस पे हम टमाटर सॉस लगा देंगे। आप लोग को रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय।